हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एडजेक्टिव विशेषण इसका पार्ट टू है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव प्रत्येक वाचक विशेषण डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव रिफर टू ईच वन ऑफ ए नाउन डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूमरल एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव है जो किसी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है ईच बॉय मस्ट पास द एग्जाम एवरी मैन शुड डू हिज ड्यूटी आई वॉन्ट टू मीट एवरी मेम्बर ऑफ द टीम जो भी आपको वर्ड बोल्ड लेटर में दिखाई दे रहे हैं वो न्यूमरल एडजेक्टिव होंगे यहाँ ईच और एवरी ऐसे एडजेक्टिव हैं जो प्रत्येक बॉय मैन या वर्ड को शो कर रहे हैं एग्जाम्पल है सभी छात्रों की बारी आनी चाहिए ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न इस कथन के सभी शब्द गलत हैं एवरी वर्ड ऑफ हिज स्टेटमेंट इज़ फॉल्स नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेतवाचक विशेषण द वर्ड विच पॉइंट आउट द पर्सन थिंग और प्लेस आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन विच वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम व्यक्ति वस्तु स्थान से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं और संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर यूज टू पॉइंट और इंडिकेट द नाउन दैट इज बींग डिस्कस्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इस बात का संकेत करता है कि हमारा अभिप्राय किस व्यक्ति या वस्तु से है जैसे दिस बॉय इज स्ट्रोंग दीज मैंगोज आर सॉर आई लाइक सच थिंग्स दिस इज अ बॉय वॉट इज द नेम ऑफ दिस प्लेस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर जनरली यूज टू आंसर द विच क्वेश्चन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का उपयोग कौन से प्रश्न के उत्तर में होता है एग्जाम्पल ये सेब सड़े हुए हैं दीज एप्पल्स आर रोटन वे लड़के खेल रहे हैं दिस बॉयज़ आर प्लेइंग इतनी जल्दबाजी मत करो डोंट बी इन सच अ हरी वह व्यक्ति उद्योगपति है दैट मैन इज इंडस्ट्रलिस्ट ये थे दो एग्जाम्पल एडजेक्टिव के नेक्स्ट वीडियो में हम एडजेक्टिव को और डिटेल में करेंगे तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो का मिल जाए